हेलो दोस्तों, आजकल वीडियो गेम ज्यादा ही पॉपुलर बनते जा रहे हैं, जो कि बच्चे और बड़े के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है। और हर कुछ सालों में नए गेम्स बनते हैं और वो काफी चर्चा में आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बैटल रॉयल गेम्स के बारे में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे क्या ये गेम चाइनीज है। मैं हूं आपका दोस्त विपिन, आप देख रहे हैं फैक्ट्स फ्रेंडली। नंबर वन, पबजी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पबजी के नाम से भी जानते हैं। पबजी मोबाइल को 23 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इस गेम्स के डिजाइनर ब्रेडन ग्रीन है, जिन्हें प्लेयर अननोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस गेम्स में टोटल 100 प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स पैराशूट की मदद से प्लेन से आइलैंड पर उतरते हैं। एक दूसरे से लड़कर आखिर तक इन्हें सर्वाइव करना होता है, और जो प्लेयर आखिर तक बच जाता है वो विनर कहलाता है। दो कंपनियों के कोलैबोरेशन से बना है, नंबर वन ब्लू होल एंड नंबर सेकंड टेंसेंट गेमिंग। ब्लू होल जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, और वहीं टेंसेंट गेमिंग जो कि चाइनीज कंपनी है। पबजी मोबाइल को चाइनीज कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, लेकिन इसका कंसेप्ट साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल को जाता है। पबजी को 100% चाइनीज गेम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप पबजी में किसी सामान को परचेज करते हो तो इसका 10% चाइना के पास जाता है। गरीना फ्री फायर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फ्री फायर के नाम से भी जानते हैं। गरीना फ्री फायर को 30 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फ्री फायर को गरीना शी कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो सिंगापुर में है, और इसके जो सीईओ है उनका नाम फॉरेस्ट ली है, जो कि सिंगापुर के सिटीजन है। इन सब इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि गरीना फ्री फायर चाइनीज कंपनी नहीं है और ना इस गेम से पैसा कमाती है। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीना फ्री फायर के इन्वेस्टर टेंसेंट कंपनी है, जो कि चाइनीज कंपनी है, और गरीना शी ग्रुप कंपनी का 39.7% शेयर टेंसेंट कंपनी को जाता है। वेल, आप गरीना फ्री फायर को 100% चाइनीज गेम तो नहीं कह सकते। अगर आप गरीना फ्री फायर में किसी सामान को खरीदते हो तो इसका 39.7% शेयर चाइना कंपनी को जाता है, और इससे चाइना कंपनी को कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट होता है। नंबर थ्री, कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीओडी के नाम से भी जानते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी को 1 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था, और इस गेम को TMI स्टूडियो द्वारा डेवलप किया गया था। TMI स्टूडियो सब्सिडियरी कंपनी है टेंसेंट गेमिंग कंपनी की, और जैसा कि आप जानते हैं टेंसेंट गेमिंग कंपनी चाइनीज कंपनी है, और इस गेम के सीईओ का नाम है बॉबी कोटी, जो एक न्यूयॉर्क के सिटीजन है। इस गेम के पब्लिशर एक्टिविजन कंपनी है, जो कि अमेरिकन कंपनी है। टेंसेंट गेमिंग कंपनी 5% शेयर एक्टिविजन कंपनी से लेती है, और एक तरह से ये भी पूरी तरीके से चाइनीज गेम नहीं है, यह एक अमेरिकन गेम है। अगर आप कोई भी सामान इसे परचेज करते हैं तो इसका भी 5% शेयर चाइनीज कंपनी को जाता है। आप इनमें से कौन सा गेम खेलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।